जनता अगर हमको ताकत देती है, अगर हमारी इंडिया अलायंस की सरकार बने तो देश भर में 1 करोड़ नौजवानों को नौकरी, सरकारी नौकरी हम लोग देने का काम करेंगे। 1 करोड़ नौकरी पूरे देश में, पूरे देश में 30 लाख नौकरियां जो है रिक्त पड़ी है, उसको तो भरेंगे ही भरेंगे, लेकिन 70 लाख नौकरी का जो है पदों का हम लोग सृजन करेंगे। आप लोग जानते हैं नौकरी बेरोजगारी सबसे बड़ा हम लोगों का दुश्मन है। आज भाजपा के लोग इस पर कोई चर्चा नहीं करते। 2 करोड़ हर साल उन्होंने नौकरी का वादा किया था, लेकिन हम लोग सच्चे लोग हैं, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। तो पूरे देश भर में 1 करोड़ लोगों को हम लोग जो है सरकारी नौकरी देने का काम कर रहे हैं। 2 तारीख जो है वो मतलब 2 डेट याद कर लीजिए। देश में 15 अगस्त आने वाला जो 15 अगस्त है, आपको बेरोजगारी से आजादी मिलना शुरू हो जाएगा। आने वाला जो जिस समय हमारा देश आजाद हुआ था, जिस तारीख को हम लोगों का प्रण है कि हम लोग 15 अगस्त से बेरोजगारी से आजादी हम लोग लाए, यानी सरकार आएगी तो 15 अगस्त से हम लोग जो है नौकरी की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। 2 तारीख आप लोग ध्यान से रखिएगा, जो आने वाला रक्षाबंधन है, गरीब परिवार की बहनों को हम लोग प्रत्येक 1 वर्ष में 1 लाख रुपए का सहायता हम लोग देने का काम करेंगे। जो रक्षाबंधन आएगा उसी दिन से हमारी बहनों को जो गरीब परिवार में है, हर एक साल 1 लाख रुपए का हम लोग जो है सहायता देंगे। और आप लोगों के समक्ष हम बताना चाहेंगे, तीसरा, कि 500 रुपए में गैस सिलेंडर का भाव जो है कर दिया जाए। आज जो है 1200-1500 मिल रहा है, अगर हम लोगों की सरकार बनेगी तो इसको महंगाई जो चरम सीमा पर है, महंगाई को कम करने के 500 रुपए में गैस सिलेंडर जो है उस चीज़ को हम लोग कर देंगे। पुरानी पेंशन योजना OPS को हम लोग लागू करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण,